तो इंटरनेट पर बालों के लंबा करने का ये तरीका नहीं मिलेगा, 99% लोगों को तो पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रुग अनुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, बाल हमारे खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। यही कारण है कि महिला हो या पुरुष, सभी को अपने बालों को बहुत ही प्रेम होता है। दोस्तों, लंबे घने और चमकदार बाल पाने के लिए हर महिला चाहती है, लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी लंबे बाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बालों को सिर का ताज कहा जाता है। दोस्तों, बालों पर तो बाला, उजड़ा चमन और गौनकह जैसी कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इससे यह बात तो साफ है कि बालों के विषय को लोग कितने गंभीरता से लेते हैं। आए दिन लोग तरह तरह के बाल लंबा करने के तरीके आजमाते रहते हैं, लेकिन इससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। दोस्तों, हेल्दी हेयर बढ़ाने के तरीके में लोग कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बाल लंबा करने के तरीके आजमाते वक्त जाने अनजाने में कुछ गलतियों से बाल लंबे नहीं हो पाते और बालों को नुकसान होता है। इसलिए केमिकल युक्त चीज़ों का उपयोग ना करें और इन चीज़ों का आप उपयोग करके नेचुरल तरीके से अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, बाल विकास पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। अगर आपके भोजन में पोषक तत्व ले रहे हैं तो बालों के विकास में कोई समस्या नहीं होगी। अंडे प्रोटीन और पोषक तत्वों का प्रचुर स्रोत होता है, जो बालों के लिए भोजन का कार्य करता है। ये पोषक तत्व बालों के विकास के लिए प्रचुर स्रोत होते हैं। दोस्तों, जो बालों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, ये पोषक तत्व बालों के विकास में भी मदद करते हैं। इसके लिए आप अंडे का इस्तेमाल अपने बालों पर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ खाने में भी इसका उपयोग जरूर करें। नंबर दो, दोस्तों, आंवले में मौजूद पोषक तत्व बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आपको घने काले बाल का शौक है तो आंवला और रीठा का पाउडर लगाएं। आंवले के जूस को सप्ताह में एक बार लगाने से बाल तेजी से लंबे होने लगते हैं। आंवला खाना भी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नंबर तीन, दोस्तों, करी पत्ते में कई गुण होते हैं, जिसके कारण न केवल स्वास्थ्य बल्कि बालों और त्वचा को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बाल बदहाले के ऊपर नारियल के तेल में आप करी पत्ते को डालकर तब तक गर्म करें जब तक यह आधा ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, या फिर ये पत्ते काले न पड़ जाएं। उसके बाद आप नारियल के तेल को अच्छे से छान लें और इसे शीशी में भर के रख लें, और जब भी आप अपने बालों में तेल लगाना चाहें तो इस तेल का उपयोग करें। इससे आपके बाल तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे। नंबर चार, दोस्तों, दही और नींबू दोनों ही बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ठंड के मौसम में डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने वाला भी होता है। दही में तो दो नींबू निचोड़ कर आप पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर हाथ के पोर से लगाएं और 15 मिनट तक मसाज करें। पेस्ट को 1 से 1.5 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद बालों को गुनगुने पानी से धो लें। इससे बालों का रूखापन और डैंड्रफ दूर होगा। नंबर पाँच, दोस्तों, आंवला, रीठा और शिकाकाई एक दूसरे के साथ खूबसूरती से काम करते हैं। संयुक्त होने पर ये चमकदार और स्वस्थ बाल कारण बनते हैं। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप बालों पर लगाएंगे और उसके बाद बालों को कुछ देर बाद धो लेंगे, तो इससे आपके बाल तेजी से लंबे, घने और मजबूत बनेंगे।